फतेहाबाद के सानियाना गांव के पास शनिवार की शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां बाइक पर सवार होकर एक परिवार पारता गांव से भैणी बादशाहपुर जा रहा था, तो वहीं सानियाना गांव के पास स्थित भाखड़ा नहर के पुल से उनकी बाइक नहर में जा गिरी। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवार ब्रजपाल को तो जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन ब्रजपाल के साथ मौजूद उसकी पत्नी मंजू और 3 साल का बेटा नहर के प्रवाह में बह गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और ब्रजपाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार महिला और बच्चे की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि ब्रजपाल अपने ससुराल से पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। प्राथमिक जांच में संतुलन बिगड़ने पर बाइक नहर में गिरने का मामला लग रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। हमारे पास कल थाना मुन्ना में इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति जो विजय नाम बैणी बादशाहपुर का रहने वाला है, तो वो अपने परिवार सहित अपनी पत्नी और बेटे सहित गांव पारता से अपने गांव में वापस आ रहा था। तो करीब 7 बजे शाम को जब वो सनियाना के पास पहुंचा तो उसकी बाइक नदी में गिर गई, जो परिवार समेत तो उसमें नदी में गिर गया था, जिसको विजय को ग्रामीणों की मदद से बचाया जा चुका है और उसके जो पत्नी व उसका बेटा जो नहर में बह गए थे उनकी तलाश की जा रही है, जो उसमें तलाश जा रही है जिनको शीघ्र ही तलाश कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ से मां बेटे की भी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों की तलाश कर ली जाएगी। अब देखना होगा पुलिस जांच के दौरान मामले में क्या निकल कर सामने आएगा। हालांकि फिलहाल पुलिस इसे बाइक का संतुलन बिगड़ने पर हुआ हादसा मानकर चल रही है। फतेहाबाद से राजेश भांबू, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।